प्रॉब्लम नंबर 26 को देखो, आपसे कह रहा सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10, इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद वैल्यू आनी चाहिए 287, तो आप एक्स बताओ कितना रखोगे। तो आप ठीक है निकाल दो, डिफरेंस देखो डिफरेंस कितने का आ रहा, डिफरेंस देख देख ले यार, क्यों भाग रही है, मत भागना बेवफा। देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितने का आ रहा, एक में तीन जोड़ोगे तब जाकर चार आएगा, तो डिफरेंस चार का है। पहली वाली टर्म में कितनी है, वन है, ठीक है, ठीक है भाई। आपको लास्ट टर्म दे रखी है कितनी है, एक्स है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। लास्ट टर्म आपके लिए एक्स है, और यहां पर आपसे कह रखा कि इनका सम जो है वो कितना है, 287 है। अच्छा आपको ये नहीं पता कि एक्स जो है ये कौन से नंबर की टर्म है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। आपके पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन बाई टू, कितनी टर्म है, एन बाई टू, और आगे हो जाता है ए प्लस एल, अगर आपको पहली और लास्ट टर्म दे रखी हो तो, ठीक है। अब यहां पर आपको नहीं पता कि भाई ये कितनी टर्म्स हैं, नहीं पता आपको, लेकिन आपको फिर भी इनको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो ये मेरी इक्वेशन का लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म जो हो जाता है वो हो जाता है ए प्लस एन माइनस का 1 × d, ये तो होता है बिल्कुल। एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस एन माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है, ठीक है भाई। ये 1 इधर को ले आऊंगा तो हो जाएगा एक्स माइनस का 1, और 3 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा एन माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का 1, तो एक्स माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा एक्स माइनस का 1, एलसीएम ले लो, 3 से मल्टीप्लाई, प्लस के 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एन, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो चुके हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास अब ये सीरीज है, इसको जोड़ रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 287। एन कितना है, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और नीचे डिवाइड में 2 भी है, ठीक है। ए कितना आपके पास, 1 है, और लास्ट टर्म में कितनी आपके पास, एक्स है। सॉल्व कर लो और आंसर पालो, 3 × 6 ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 287 की 6 से मल्टीप्लाई, ये बचेगा आपके पास एक्स प्लस 2, और ये बचेगा एक्स प्लस के 1। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है मेरे हिसाब से, 280 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या, अभी रहने दो इसको, 287 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 2x प्लस के 2, देखो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 हो गया, और ये चल रहा है 287 × 6, इसको भी आप हाथों हाथ सॉल्व ही कर लो यार। अब 287 × 6 मल्टीप्लाई करके देखो, 6 × 7 = 42 का 2, हासिल लेके 4, 8 × 6 = 48, और 4 × 52 = 2 कैरी 5, 8 × 6 = 12, 12 × 5 = 17, 1722, 1722 में से 2 निकालोगे तो 1720 बचेंगे, 1720, ठीक है, ये 2 खत्म हो जाएगा। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, 1720 माइनस का 1720 इज इक्वल्स टू 0, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो और आंसर पा लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, एक काम कर लो आप, इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करो, माइनस का बी, एक्स का आगे वाला जो होता बी होता तो माइनस का 3, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1720, ठीक है, अपॉन 2a, 2a ए की वैल्यू 1 है, खत्म। बस ये इसका सॉल्यूशन रह गया, और ये सोल्व अगर आपने कर लिया तो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो माइनस के 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 9 प्लस, अब इसको आप ऐसे कह सकते हो 1720 × 4, 1720 × 4 अगर नहीं हो रहा तो 4 ऐसे रहने दो, इसको भी तोड़ लो 9 से, तो 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 9 के बाद बचेगा 8, नहीं कट रहा ना, चलो छोड़ो, नहीं कट रहा तो मत कटने दो सारे को, जरा मल्टीप्लाई करो और जोड़ो 1720, अरे वाह वाह बाबू जी, हम लिख रहे हैं और ये मिटा रहा है। तो 1720 की 4 से मल्टीप्लाई, 1720 की 4 से मल्टीप्लाई 0, 4 × 2 = 8, 8 और 7 × 28 = 8 कैरी 2, 4 × 1 = 4, 4 और 2 = 6, तो 6880 डिवाइडेड बाई 2,
इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6889 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप देखेंगे 6889 किसका बैठेगा, तो 8 अट्ठे 64, 6400 के आसपास ये है 6889, तो ये बैठ जाएगा 83 का। आप निकाल कर देखेंगे 83 का बैठेगा, माइनस का 3 प्लस माइनस 83 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बार निगेटिव लूंगा, एक बार पॉजिटिव लूंगा, सारे आंसर पॉजिटिव है, तो निगेटिव को आप छोड़ दोगे, पॉजिटिव लोगे, तो पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा प्लस 83 डिवाइडेड बाय 2। 83 में से 3 निकालेंगे बचेगा 80, 80 का हाफ करेंगे बैठेगा 40, तो 40 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। लेकिन आप देखें इस कन्वेंशनल मेथड से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक कहाँ से लगाओगे यार इसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करना क्योंकि थोड़े लेंथी होते हैं।